डाउट जो इस टाइम पर आप सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जो कि आप लोग चाहे सीटीपी के स्टूडेंट हों चाहे ओपन के स्टूडेंट हों, जिनका भी पेपर अभी जुलाई में रहने वाला है या फिर सितंबर में रहने वाला है या फिर अब मार्च में आप लोग पेपर दोगे, मार्च वालों को तो थोड़ा सा रिलीफ है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अभी उनके पास पड़ा है। बट जुलाई और सितंबर वाले बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि मैम हम तैयारी कैसे करें, टाइम तो बहुत कम है, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किस तरीके से होगा, और अगर प्रिपरेशन करनी है तो हमें पढ़ना क्या पड़ेगा। तो बहुत सारे डाउट इस टाइम पर प्यारे बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं, जो कि आप लोगों को भी पता है कि क्यों चल रहे हैं। अब कई बच्चों ने तो मेहनत की थी, अनफॉर्चुनेटली जो है वो फेल हो गए, बट कुछ ऐसे थे महानस्तियाँ जिनको बोलते हैं कि हमने तो मेहनत ही नहीं करी मैम, इस वजह से जो है जब मेहनत नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली फेल ही होगे। लेकिन पहले जो गलतियाँ करी उन गलतियों को अब आप लोगों को रिपीट नहीं करना है और अब उन गलतियों से आप लोगों को सीखना है, ठीक है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और क्या अब आप लोगों को पढ़ना है उसके ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। छोटी वीडियो बनाऊंगी ताकि बस मेन आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोग एटलीस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। आइदर योर एग्जाम विल बी हेल्ड इन जुलाई और सेप्टेम्बर, आप लोगों को क्या करनी है, सम थिंग्स विच यू विल डू। फर्स्ट इज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है, लाइक वो टॉपिक्स जो कि एग्जाम में बनते ही बनते हैं, जो कि ज़्यादा नंबर्स कैरी करते हैं, उन टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिए। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर दिस इज इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडी, कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर आर्ट सब्जेक्ट, कॉमर्स और पीसीएम पीसीबी सब्जेक्ट्स भी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स पर ध्यान देना है, नज़रें गड़ानी है, उनको रटना है, जिस तरीके से हो चुकी हूँ ना, रट लो चाहे अगर नहीं याद हो रहे, बट उनको ही करना है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के बनते हैं, ओके। अब यहाँ पर बात आती है, जब ये लाइन मैंने बोली है तो बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ ज़्यादा आती है। अब कुछ को तो एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो वो पता लगा लेते हैं कि हाँ ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, बट सबको नहीं पता लगता। तो किस तरीके से आपको पता करना है कि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर हो वो उठा लो, प्रीवियस ईयर के 3-4-5 साल के पेपर्स उठाओ, वहाँ से देखो कि कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो 1-2 साल में ना हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें पता रहे कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पता लग रहा ना आप लोगों को, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, इवन 10th क्लास के हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो वहाँ से पढ़ के बहुत सारे बच्चे जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर निकले हैं, ठीक है, जो कि प्रूफ है अच्छा कि हाँ यहाँ से कंटेंट जो है वो हमें मिल सकता है। सो यू कैन गो ऑन माई प्लेलिस्ट जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प जो है वो हो जाएगी, ठीक है बच्चा। और इसके अलावा मैं अब आप लोगों को मेन और दूसरी चीज़ क्या करनी है, फर्स्ट चीज़ तो यही कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है, सेकंड चीज़ आप लोगों को जो करनी है दैट इज़ कि आप लोगों को उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना जो आपने लास्ट टाइम जो है वो रिपीट की थी, जैसे कि टाइम पास बिल्कुल मत करना, घूमना फिरना, दोस्त तैयारी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड रखना, पढ़ने पर ज़्यादा फोकस रखना, जिनका जुलाई में पेपर है उनको ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है, कंपार्टमेंट वाले बच्चे जितने भी हैं जो भी सितंबर में देंगे उनको थोड़ा सा ज़्यादा ये रहेगा कि क्योंकि वो 2-3 सब्जेक्ट वाले होंगे तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन रहेगी, जुलाई वाले जो हैं वो 1 सब्जेक्ट वाले हैं, बट टेंशन होती है चाहे आप 1 पेपर दें, चाहे आप 3 पेपर दें, चाहे आप 5 पेपर दें, टेंशन तो टेंशन ही रहती है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स पर लग जाओ करने पे कि कौन से टॉपिक आ रहे हैं और उनको अच्छे से रट लो, ठीक है बच्चा। और कई बच्चे जो है ना वो ये बोलेंगे कि मैम हमारा जुलाई में पेपर है और एक ही महीना है, हम लोग किस तरीके से पढ़ें, या फिर आधे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है पढ़ें किस तरीके से, वो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या पढ़ना है, और एक शेड्यूल बना लो, एक मैनेजमेंट बना लो कि इस टाइम पर हमें पढ़ना ही है, मोबाइल को अपने से 10 किलोमीटर दूर रख कर आ जाओ कि हमें मोबाइल नहीं देखना, सिर्फ बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे की स्टडी, जैसे कई होते हैं कि मैम हम मोबाइल से वीडियो देखते हैं, तो 1 घंटे की स्टडी मोबाइल से रखो, 1 घंटे की स्टडी या 2 घंटे की खुद से करो सेल्फ स्टडी, ठीक है। और उसके अलावा मैं एक डाउट और जो बच्चों को सबसे ज़्यादा है कि मैम सिलेबस और पैटर्न क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम सिलेबस आएगा, सेम पैटर्न आएगा, सेम के सेम सब कुछ रहने वाला है। एमसीक्यू की अगर बात करें, बच्चों के दिमाग में है कि मैम 50% एमसीक्यू क्यों आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, पिछले बार भी बहुत सारे बच्चों ने यही सोचा और उसी वजह से उनकी जो है कंपार्टमेंट देखने के लिए मिली है। तो एमसीक्यूज आपको 10-15 लगा के चलो कि 15 एमसीक्यूज आएंगे भाई, अब 15 में से मैं 10 नंबर 8 नंबर ले लूँगा, बाकी की मुझे थ्योरी करनी पड़ेगी, मतलब मुझे सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये अच्छी बात है कि आने वाली एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, वो आपको पूरे के पूरे 50% देखने के लिए मिलेंगे। और आने वाली स्टडी के अंदर जो है ये बोला गया है, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और होम मिनिस्टर्स और ये सारे के सारे होते हैं, इनकी जो मीटिंग हुई थी ना उसमें इन लोगों ने बोला था जो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, कि आने वाली आगे की स्टडी के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी को जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, सब्जेक्टिव जो स्टडी होती है उन पर कम फोकस किया जाएगा, मतलब बच्चों को ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा करवाया जाएगा, ठीक है।
ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे आप लोगों के सिलेबस से रिमूव हो जाएंगे, बट अभी नहीं हो रहे तो ज़्यादा दिल जो है छोटा करने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोगों की जो स्टडी है आपको वही पढ़नी है। ओके, तो आई होप सारी की सारी वीडियो जो है वो आप लोगों के काम की रही होगी, आपको समझ आई होगी। चैनल पर पहली बार आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, ताकि कोई वीडियो आए जब न्यू वीडियो अपडेट मैं लेकर आऊँ या फिर आप लोगों की स्टडी से रिलेटेड जो वीडियो होंगी वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए। ओके बच्चा, और जैसे कि आप सब लोगों को पता है एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है एंड उसका ग्रुप जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो यू कैन गो ऑन डिस्क्रिप्शन इन डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गेट द लिंक ऑफ टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप मिलेगा, यहाँ पर बेसिक ज्ञान की ग्रुप मिलेगा। तो उस वहाँ पर आप बेसिक ज्ञान में आप लोग जो है वो नॉर्मली डिस्कशन के लिए ऐड हो सकते हैं, एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न देन यू कैन ऐड इन अवर इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप, देयर यू विल टॉक इन ओनली इन इंग्लिश। ओके, तो आप लोगों को अगर सीखना है, हेजिटेशन दूर करनी है, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ और देखो, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर भी मैसेज करो, डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्स आप लोगों को दे दूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।